शादी के कुछ दिन बाद ऐसे हालात हुए, मेरे शौहर का कारोबार खत्म होने लगा। 4 माह में मेरे शौहर की दोनों गाड़ियां बिक गई। 6 माह ससुराल वालों ने साथ रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी हमें अलग कर दिया। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने अपने शौहर से पूछा, सुने हमारे पास तो 2,000 भी नहीं है, घर का एडवांस कैसे होगा? और चलो मान लेते हैं, अगर आपसे एडवांस हो भी गया तो हर माह हम गुजारा कैसे करेंगे? मेरे शौहर ने एक पल के लिए मुझे देखा और उसके बाद कहा कि अल्लाह मालिक है। अपनी शादी का मुंह दिखाई का सेट बेचकर हमने घर का एडवांस दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर काफ़ी बातें की, काफ़ी तंज किए और कहा कि देखो कोई मुंह दिखाई का सेट भी बेचता है भला, ये भी कोई बेचने की चीज़ हुई भला। मगर मैं उन सब की बातें सुनती रही और बिल्कुल खामोश रही। अलग घर में आकर सिर्फ एक ही ख्याल था, रोजाना की बुनियाद पर खाना कहाँ से आएगा। 10 दिन ऐसे ही रहे, मैं पूरा दिन इंतज़ार करती मेरे शौहर आएंगे रात को खाना लेकर, तब हम खाना खाएंगे। मुझे आज भी याद है रात 2 बजे का वक्त था, मैं जाय नमाज पर बैठकर सिर्फ रोए जा रही थी। उस वक्त मेरे ये अल्फाज थे कि अल्लाह पाक मुझे सब बोलते हैं कि मैं मनहूस हूँ, शादी की शौहर को बर्बाद कर दिया, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप भी नहीं है जिससे जाकर मैं पैसे मांग लूँ, ऐ मौला अब तू ही मेरी इज्जत की लाज रख। ये बोलकर मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई और सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू किया। इस तरह मैं रोज यही करती थी, रात 12 बजे के बाद जाय नमाज पर बैठ जाती और सुबह फजर के तक बैठी रहती। अल्लाह का करना कुछ यूं हुआ कि जिस टाइम पर मेरे शौहर के साथ जिसने गलत किया था, पैसे खाकर कारोबार में नुकसान किया, उसके भाई को जब पता चला उसने मेरे शौहर को बुलवाकर 2 लाख रुपए दिए और बोला मैं वो तमाम पैसे तो नहीं दे सकता मगर तुम ये रखो घर में खर्चे के लिए। वो 2 लाख का मिला, हमने पहली दफा घर का राशन लिया और उसके बाद मुर्गी का गोश्त खाया। और देखते ही देखते अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेरे शौहर के तमाम पुराने क्लाइंट, उन्होंने उनसे दोबारा रابطہ करना शुरू कर दिया और इस 1 साल के अंदर हमने अपना पूरा कर्जा उतारा। ड्राइंग रूम का सामान, एसी और जो हमने कार बेची थी वो भी ले ली, मगर कुछ काम ऐसे थे जो मैं ज़रूर करती रही। एक सूरतुल बकरा पढ़ना और दूसरा परिंदों को बाजरा डालना और तीसरा काम वो जो हमारे घर काम वाली आती थी उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाना। चौथा, जब कोई भी गोश्त हमारे घर आता तो मैं सबसे पहले उसमें से ज़रूरतमंद का हिस्सा निकालती थी। और अल्लाह का करम है आज तक मेरा फ्रिज कभी खाली नहीं हुआ। अल्लाह पाक का बहुत करम है, आज दिन रात काम करने वाली मेरे घर में एक मासी भी है। मेरे शौहर के पास कार, कारोबार, पैसा सब कुछ है। आज कभी अकेले में अपनी शादी के कुछ साल याद करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ कि कभी हम पर वो वक्त भी था जब हमारे वक्त एक वक्त का खाना भी बमुश्किल मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वक्त भी है कि हमारे घर अल्लाह पाक की हर नेमत है। बेशक मेरा अल्लाह इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, दुनिया छोड़ देती है लेकिन वो ऊपर वाला कभी भी नहीं छोड़ता।